नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास टीवी। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही बड़ा जानकारी देंगे। एक हमारे फ्रेंड्स के द्वारा कमेंट्स आया है कि एक वीडियो बनाइए जिसमें पेटीएम में हम लोग बैंक अकाउंट कैसे लिंक करेंगे और अगर हटाना चाहते हैं बैंक अकाउंट को लिंक किया हुआ तो कैसे हम लोग रिमूव करेंगे अपना पेटीएम से बैंक अकाउंट्स को। ठीक है, इसी के बारे में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। प्लीज़ ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको दोनों जानकारी इस वीडियो में मिल सके। अगर आप पेटीएम में अपना बैंक अकाउंट को लिंक करना चाहते हैं UPI से पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए, लेन देन करने के लिए, ठीक है, तो आप कैसे बैंक अकाउंट को आप इसमें लिंक कर सकते हो, ऐड कर सकते हो पेटीएम में, जैसे कि फ़ोनपे के साथ हम लोग करते हैं, गूगल पे के साथ करते हैं। ठीक है, अगर आपने दो चार बैंकों को लिंक करके रखा हुआ है, आप चाह रहे हैं बैंक को हटाने के लिए पेटीएम से, ठीक है, नहीं लिंक करना चाह रहे हैं, रिमूव करना चाह रहे हैं उसे जो आपने ऑलरेडी लिंक किया हुआ है, तो आप कैसे बैंक को हटाएंगे। ठीक है, तो दोनों जानकारी आपको मिलेगा इसमें, लिंक करने के लिए भी और बैंक को रिमूव करने के लिए भी। प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले करेंगे छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाल रंग के बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के निशान को दबाइए ताकि इस तरह का अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी मिलता रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे आपको ऐड करना है, रिमूव करना है। सबसे पहले आपको पेटीएम एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन कर कीजिएगा तो यहाँ पे आपको ऊपर में आपका पेटीएम का लोगो लिखा है और यहाँ पे आपका नाम का कुछ वर्ड्स दिखेंगे, प्रोफाइल जैसा, मतलब आपको जो दिख रहा है उस पर आपको टाइप कर लेना है। आपको यहाँ पर नाम में सब दिख जाएगा, यूपीआई ये सब आपको दिख जाएगा। ठीक है, और आपको सिंपली नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर UPI एंड पेमेंट सेटिंग्स, ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको UPI नंबर, UPI आईडी सब आपको दिख जाएगा। सिक्योरिटी पर बस से मैंने कुछ चीज़ों को, अपना पर्सनल चीज़ों को ब्लर किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि आपको दो ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएंगे। अगर आपको बैंक अकाउंट लिंक करना है तो ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करके बैंक अकाउंट को भी आप लिंक कर सकते हो। यहाँ पर रुपये क्रेडिट कार्ड को भी आप यहाँ पर लिंक कर सकते हो। ठीक है, मान लीजिए कि मुझे बैंक अकाउंट लिंक करना है तो हम ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर प्लस का जो आइकन है, यहाँ पे जो भी आपका बैंक अकाउंट हो वो आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी पॉपुलर बैंक है वो हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, PNB हो गया, ठीक है, यूनियन बैंक हो गए, एक्सिस हो गए, पेटीएम हो गया, HDFC, ICICI, बैंक ऑफ इंडिया, सारे बैंक को यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो और यहाँ पे बैंक को आप सेलेक्ट कीजिए और आप लिंक यहाँ पे कर सकते हो OTP के थ्रू। अब मान लीजिए कि ऑलरेडी आपने लिंक किया हुआ है, जैसे कि हमने यहाँ पर कई बैंकों को लिंक किया हुआ है, हम चाह रहे हैं इसे हटाने के लिए, तो मान लीजिए कि स्टेट बैंक के मेरा दो बैंक है, हम एक बैंक को हटाना चाह रहे हैं, यहाँ पर रिमूव करना चाह रहे हैं। ठीक है, लिंक करने का वो आपको मालूम हो गया। तो जो भी आपने बैंक को, जो भी बैंक आप यहाँ पर रिमूव करना चाह रहे हैं उससे आप उसके ऊपर आपको एक बार टाइप करना है। टाइप कीजिएगा आपका बैंक का डिटेल्स, यहाँ पर आपको दिख जाएगा अकाउंट नंबर, IFSC कोड और ब्रांच का नाम और टाइप आपका दिख जाएगा, सेविंग है, करंट है, क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ऊपर में 3 डॉट्स आपको दिख रहा होगा, उस पर आपको टाइप करना है। अब यहाँ पे देखेंगे कि रिमूव अकाउंट्स आपको लिख रहा है ऊपर में रेड कलर में, तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना है और फिर से आपको एक बार कंफर्म करना है। यस पर क्लिक करेंगे, आपका यह बैंक अकाउंट पेटीएम से रिमूव कर दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे कि स्टेट बैंक का जो दो बैंक अकाउंट था वे किस को कर रहा है। उम्मीद करते हैं इस तरीका से आप बड़े आसानी से आप अपना बैंक अकाउंट को लिंक भी कर सकते हो और रिमूव भी कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह का अपडेट आपको आगे भी मिलता रहे। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, आपका दिन शुभ हो।